हेलो दोस्तों, बच्चे भगवान की दी हुई एक अनमोल देन होती हैं। हर माँ बाप का एक सपना होता है कि उसके भी बच्चे हों और वो भी अपने बच्चों को अपने हाथों से खिलाएं, उनको पाल पोस कर बड़ा करें। दोस्तों, किसी भी बच्चे की माँ जब अपने बच्चे को खिलाती है, उसे अपने गोद में लेकर के अपना प्यार देती है, तो वह अपने सभी दुखों को भूल जाती है और यह सोचती है कि वह उसे इस दुनिया की सारे सुख प्राप्त हो गए हैं और वह अपने पूरी ममता को उस बच्चे के साथ शेयर कर लेती है और अपना सभी दुख भूलकर उसमें खो जाती है और बच्चा भी अपनी माँ की गोद में आकर के ऐसा महसूस करता है कि उसे सभी जन्मों से छुटकारा मिल गया और उसे पूरी दुनिया का प्यार मिल गया। दोस्तों, इंसान जब बड़ा हो जाता है तो वो अपने सभी सुखों और सभी दुखों को और अपनी सभी भावनाओं को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने माँ बाप, भाई बहनों के साथ शेयर कर लेता है और अपने सुख और दुख को दूसरों को बता पाता है। लेकिन जब एक छोटा बच्चा अपने सुख या किसी दुख को किसी को बताना होता है, तो क्योंकि वो बोल नहीं सकता है, तो इसके लिए वह रोता है और रो करके वो अपने सभी सुख या दुख या जो भी बातें होती हैं वो दूसरों को बताने की कोशिश करता है और उसके रोने की आवाज़ सुनकर उसकी माँ या उसके सभी घर वाले ये समझ जाते हैं कि बच्चा भूखा है या उसे पानी की ज़रूरत है या उसे नींद आ रही है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई नवजात बच्चा रोता है तो उसकी आँख से आंसू नहीं निकलते, भले ही वो कितना भी चिल्ला चिल्ला के रो रहा हो, लेकिन उसके आँख से आंसू नहीं निकलते। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि बच्चों की आँखों से आंसू क्यों नहीं निकलते हैं? तो चलिए इस वीडियो में इस प्रश्न को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर नवजात बच्चों की आँखों से आंसू क्यों नहीं निकलते। दोस्तों, इंसान जब बड़ा हो जाता है तो उसकी आँखों में एक टीयर ग्लैंड यानी लैक्रिमल ग्लैंड होती है जिससे आंसू बनते हैं और वो आंसू उस पूरी आँख पर फैल जाते हैं और बूंद के रूप में भी आंसू निकलते हैं और यह आंसू उसके लैक्रिमल सैक से होते हुए उसकी नाक के रास्ते से भी बाहर आते हैं। अर्थात अगर किसी व्यक्ति को रोना होता है तो उसके आंसू उसके लैक्रिमल ग्लैंड या टीयर ग्लैंड से निकलते हैं और इस तरह आंसू निकाल कर एक इंसान अपने सुख या दुख को दूसरों के साथ शेयर कर सकता है और अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। लेकिन एक नवजात शिशु की टीयर ग्लैंड बहुत ज़्यादा एक्टिवेट नहीं होती हैं और वो केवल इतना ही आंसू बना पाती हैं जिससे उसकी आंखें नम रह सकें, लेकिन इतने आंसू का निर्माण उसकी टीयर ग्लैंड नहीं कर पाती कि वो आंसू के रूप में निकल सकते, क्योंकि एक नवजात शिशु की टीयर ग्लैंड इतनी एक्टिवेट नहीं है कि वो आंसू बना सके। इसलिए जब कोई एक नवजात शिशु रोता है तो उसकी आँख से आंसू नहीं निकलते और उसकी आँख से आंसू न निकलने के कारण ही वो भले ही रोता रहता है लेकिन उसके आँखों से आंसू का निर्माण नहीं हो पाता जो हमको आंसू के रूप में दिखाई दे सके। तो यही कारण है कि एक नवजात शिशु जब रोता है तो उसकी आँख से आंसू नहीं निकलते। लेकिन यही नवजात शिशु जब बड़ा हो जाता है तो उसकी टीयर ग्लैंड एक्टिवेट होने के कारण उसके आंसू दिखाई देने लगते हैं। तो किसी नवजात शिशु की टीयर ग्लैंड उसके एक महीने के होने के बाद या एक महीने के आगे का जब वो शिशु हो जाता है तो उसकी टीयर ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती हैं और उसके आंसू बनने लगते हैं और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा इसे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।